पंचायत चुनाव को लेकर काफी संख्या में प्रत्याशी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां एक तरफ करताप पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रविंद्र कुमार सिंह ने नामांकन करने के उपरांत अपने दर्शन से बातचीत के क्रम में विकास के मुद्दों पर चर्चा किए, वहीं दूसरी तरफ पियनिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी ने अपने काफी समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं ग्राम पंचायत का साथ से मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। हाँ जोड़ लीजिएगा। और आज मैं अपना नामांकन दाखिल किया हूँ मुखिया पद से। गरीबों का उत्थान करना मेरा दायित्व है। आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, आपकी अगर आप जीत हो जाती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी जितने भी मेरे गाँव के गरीब आदमी हैं मैं उसको उत्थान तो करूँगा। मेरा मेन उद्देश्य यही है। और दूसरा बात कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, और गरीब जनता को जितनों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है उन लोगों को मतलब ये खाद्यान्न का मतलब ये आपूर्ति कराना, गरीबों के उत्थान करना मेरा पहला दायित्व ही रहेगा। युवा के लिए आप क्या कीजिएगा? युवा वर्गों के लिए, जो युवा के लिए जो भी मतलब ये उन लोगों के नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए जो मतलब ये पहल होगा हमारे स्तर से, और खेलकूद के लिए जो उन लोगों के लिए पहल होगा उसका मैं अति निभाऊंगा और उन लोगों को पूर्ण सहयोग दूंगा, ताकि वो लोग मतलब ये किसी भी क्षेत्र में युवा वर्ग शैक्षणिक योग्यता लेकर या मतलब ये खेल के मैदान में रह करके वह आगे बढ़ें और अपना अति रोशन करें। Thank you.